नमस्कार दोस्तों, मैं रोहन शर्मा स्वागत करता हूं सभी का आपके अपने चैनल ज्योतिष वास्तु में। कैसे हैं आप सभी? आज हम यहां पर बात करने वाले हैं 20th of March 2023 के बारे में। 20 मार्च 2023 का दिन आप सभी के लिए कैसा जाएगा, कहां पर आप सभी को सावधानी रखनी है, कौन सी वैदिक रेमेडीज आज आपकी मदद करते हुए नजर आएंगी, कौन सा एंजल नंबर और कौन सा अफर्मेशन आज आपके लिए शानदार रहेगा, साथ ही साथ क्या करना है वास्तु का उपाय और कौन सा है गोल्डन विश टाइम, सारी जानकारी आपको देखने को मिल जाएगी इस वीडियो में। अंत तक देखिएगा ताकि कोई भी चीज आपसे मिस ना हो जाए। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि आखिर दिन का ऑरा कैसा है। देखिए, सबसे पहले यहां पर मैं आपको बता देता हूं, सप्ताह की शुरुआत है, सोमवार का दिन है। डेफिनेटली काफी ज्यादा हेक्टिक शेड्यूल यहां पर आपका रहेगा, बहुत ज्यादा मेहनत करने की आपको जरूरत है। और एक अच्छी चीज है कि मेहनत के बाद रिजल्ट बड़ा अच्छा मिलता हुआ नजर आएगा, मतलब कि एक बहुत एफर्ट के बाद एक जो फ्रूटफुल रिजल्ट मिलता है वो खुशी कहीं ना कहीं आपको देखने को जरूर मिल जाएगी। इस तरह की योग आपके जरूर बनते हैं। साथ ही साथ यहां पर देखा जाए तो ओवरऑल यहां पर आने वाला जो समय है वो आपके लिए बेनिफिशियल है। ये दिन में कई सारे ऐसे मौके मिलेंगे जहां पर आप अपने काम को और भी ज्यादा बेहतर कर सकते हैं, अपने काम में और भी ज्यादा एफर्ट लगा के अच्छे रिजल्ट यहां पर पा सकते हैं। लंबे समय से कोई काम रुका हुआ है, कोई काम बन नहीं पा रहा, कोई काम बनाने में आपको काफी ज्यादा मेहनत आ रही है, तो वो यहां पर आपकी पूरी हो सकती है और आपके मन के मुताबिक चीजें यहां पर कहीं ना कहीं होने के योग बनते हैं। नए लोगों से मुलाकात होगी, नए दोस्तों से मुलाकात होगी, नए दोस्त बन सकते हैं और साथ ही साथ आज के दिन में आपको किसी व्यक्ति की वजह से कोई नया रास्ता मिल सकता है। इस तरह के योग आपके बन रहे हैं, तो अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने कलीग के साथ थोड़ा सा अच्छा बिहेव करिए। उनके मुंह से अगर कोई बात निकल जाए आपके लिए पॉजिटिवली तो उसको बहुत ज्यादा फोकस करिए और देखिए कि वो बात आपको किस तरह से अच्छा रिजल्ट यहां पर देते हुए नजर आ रही है। सो ओवरऑल धीरे धीरे ग्राफ अच्छा बनेगा, एक बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव दिन यहां पर दिखाई देता है और काम के लिए, जॉब के लिए, प्रमोशंस के लिए, किसी भी तरह की अचीवमेंट के लिए ये दिन आपका बहुत ज्यादा अच्छा है। प्रॉपर्टीज परचेस करना चाहते हैं तो बड़े आराम से परचेस कर सकते हैं, उसमें भी कहीं कोई दिक्कत कोई परेशानी यहां पर नहीं दिखाई देती। और कहीं ट्रैवल करना चाहते हैं, कहीं लॉन्ग डिस्टेंस पर मूव करना चाहते हैं तो उसके लिए भी काफी अच्छा समय यहां पर दिखाई देता है। यहीं पर देखिए, अगर आज के दिन को और भी ज्यादा अच्छा बनाना है, आज के दिन को और भी ज्यादा बेहतरीन बनाते हुए आपको आगे ले जाना है तो कौन सी वैदिक रेमेडीज हैं, नोट कर लीजिएगा प्लीज। किसी विशेष कार्य से बाहर जाते हैं या फिर कोई अर्जेंट मीटिंग है अटेंड करने जाना है, आप आज थोड़ा सा डार्क कलर पहनिएगा। आप ब्लैक कलर को यूज कर सकते हैं, ये आपके लिए काफी अच्छा रहेगा। आप ब्लू एंड रेड का कॉम्बिनेशन पहन सकते हैं, ये आपके लिए काफी अच्छा रहेगा। एनी डार्क कलर विल बी गुड फॉर यू, तो वो आप जरूर करें, वो आपके लिए पॉजिटिव रहेगा। साथ ही साथ मैं यहां पर कहूंगा कि आज के दिन में अगर आप सभी हल्दी का टीका लगा करके अपने काम को करने की कोशिश करें तो वो आपके लिए अच्छा रहेगा। और आज के दिन में किसी फीमेल या फिर अपोजिट सेक्स से अगर आपको कोई मदद मिल जाए, जैसे अगर आप मेल हैं और फीमेल से अगर आपको कोई मदद मिल जाए तो बेस्ट है, अगर आप फीमेल हैं और मेल से कोई मदद मिल जाए तो वो आपके लिए बेस्ट है। जॉब सर्च कर रहे हैं, अच्छी अपॉर्चुनिटीज नहीं मिल रही और चाहते हैं कि अच्छी अपॉर्चुनिटीज मिल जाए तो आज कहीं ना कहीं अप्लाई करने की कोशिश जरूर करिएगा, इंटरव्यूज देने की कोशिश जरूर करिएगा, किसी फ्रेंड से मदद मिल सकती है और काम आपका आसानी से बन सकता है। आज के दिन में अपने हाथ में आप मेक श्योर की एक येलो कलर का धागा बांध के रखिएगा। आज पूरे दिन येलो कलर का धागा बांध सकते हैं या फिर गोल्ड थोड़ा सा ज्यादा पहन सकते हैं अपनी बॉडी पर, और गोल्ड की कोई अंगूठी है तो वो भी आप पहन सकते हैं, कोई चेन है तो वो भी आप पहन सकते हैं, ये भी आपके लिए काफी ज्यादा अच्छा रहेगा। आज के लिए जो एंजल नंबर आपको इस्तेमाल करना है, जो कि आपके लिए बेनिफिट लेकर के आता हुआ रहेगा, वो है आपका 5943। बहुत इंपॉर्टेंट नंबर है, बहुत ही अच्छा नंबर है और ये नंबर आज आपके दिन को आसान बनाने में और पॉजिटिव डायरेक्शन में ले जाने में आपको फायदा देता हुआ नजर आएगा। आज के दिन में आप सभी को चीजों को बेटर वे से देखने की कोशिश करनी चाहिए, अपने देखने का नजरिया बदलना चाहिए, थोड़ा सा अपने आप को एक्सपैंड करने की कोशिश करनी चाहिए, दिमाग को खोलना चाहिए, वो आपके लिए अच्छा है। तो इसीलिए जब आप इस तरह के ऑरा में आते हैं, जब आप इस तरह के दिन में आते हैं जहां पे चीजें बैलेंस होती हैं, तो आपको अपनी सोच बदलने की जरूरत काफी ज्यादा है। अपनी सोच को बदलने के लिए और अपने आप को और ज्यादा एक्सपैंड करने के लिए आपको आज अफर्मेशन कौन सा यूज करना है वो मैं आपको बता देता हूं, नोट कर लीजिएगा प्लीज। आई एम ग्रेटफुल नाउ एंड कीपिंग द डोर ओपन फॉर मोर ब्लेसिंग्स, मोर प्रॉस्पेरिटी एंड मोर सक्सेस इन द लाइफ, ये आपको बोलना है। I am grateful now and keeping the door open for more blessings, more prosperity, more success in the life.
डेफिनेटली आपको ये सक्सेस मिलेगी, आपको ये प्रॉस्पेरिटी मिलेगी और आपको डेफिनेटली दूसरों से ब्लेसिंग्स मिलते हुए नजर आएगी। इतना अच्छा योग आपका यहाँ पर दिखाई देता है। आज के दिन में अगर आप सभी गोल्डन विश टाइम का इस्तेमाल सही करना चाहते हैं तो सबसे पहले एक चीज का ध्यान रखिए, गोल्डन विश टाइम के समय में आप सभी को अपने अपने कामों पर पूरी तरह से बैलेंस करनी चाहिए। एक लिस्ट प्रिपेयर कर लीजिए कि क्या चीज पॉजिटिवली आप चाहते हैं अपनी लाइफ में, जो कि आपके लिए अच्छी जाए, आप उससे अच्छा फायदा उठा पाए। सबसे पहले जब भी आप गोल्डन विश रिकॉल करेंगे, आप अपने हाथ में या अपने शरीर पर कहीं पर भी गोल्ड अगर आपने पहना हुआ है तो उसे टच करके आप आज गोल्डन विश इस्तेमाल करिएगा। ये जो समय रहेगा आपका, ये समय रहेगा अभिजीत मुहूर्त जिसको हम कहते हैं, और दोपहर का समय 12 बजे से लेकर के 1:30 तक का समय काफी शानदार समय है। इस समय में अपने हाथ में या शरीर पर कहीं पर भी अगर आपने गोल्ड पहना हुआ है तो गोल्ड को पकड़ के, गोल्ड को होल्ड करके, गोल्ड को टच करके आप अपनी सारी विशेष बोलने की कोशिश करिएगा, अपने आप को ब्लेसिंग्स देने की कोशिश करिएगा, अपने लाइफ की प्रॉस्पेरिटी के बारे में सोचने की कोशिश करिएगा, अपनी लाइफ के सक्सेस के बारे में सोचने की कोशिश करिएगा। डेफिनेटली ये आपको फायदा देता हुआ नजर आएगा। आज के दिन में वास्तु का आपको कौन सा रेमेडीज करना है जिससे कि घर का भी अच्छा रहे और आपका भी अच्छा रहे और आपके काम बनते हुए नजर आए। आज का स्पेशली मैं यहां पर कहूंगा कि अगर करियर में रुकावटें आ रही हैं, करियर में परेशानियां आ रही हैं, काम प्रॉपरली नहीं बन पा रहे तो ये वास्तु का उपाय आपके लिए ठीक रहेगा। आपका कहीं पर भी वर्क प्लेस है, कहीं पर भी काम करते हैं तो मेक श्योर कि वहां पर नॉर्थ ईस्ट में आप एक पेन या पेंसिल जरूर रखिएगा, ये आपके लिए अच्छा रहेगा। अगर रेड कलर का पेन अगर आप रखते हैं तो वो आपके लिए काफी ज्यादा अच्छा है। तो जहां पर भी, चाहे घर पे वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, चाहे ऑफिस में काम करते हैं, नॉर्थ ईस्ट की तरफ एक रेड पेन आज के दिन में रख दीजिएगा, उससे आपका काम आसान बनता हुआ नजर आएगा। इसके अलावा आपको क्या करना है, अपने घर में पूरी तरह से आज थोड़ा सा साफ सफाई रखनी है और एक पॉजिटिव डायरेक्शन, पॉजिटिव एटीट्यूड, पॉजिटिव एनवायरमेंट बना के रखना है। अपने घर के कर्टन्स को आज थोड़ा सा ओपन रखिएगा, मतलब कि पूरी तरह से पैक बंधे हुए मत रखिएगा, ओपन खुला छोड़ के रखिएगा, वो अच्छा रहेगा, घर का एनवायरमेंट अच्छा बनेगा। घर के बाहर तुलसी का पौधा होना चाहिए नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ या नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन की तरफ, और उसमें आज थोड़ा सा जल अपने हाथ से जरूर डालिएगा, और अगर एक तुलसी का पत्ता लेकर के जल में मिला करके आप पी जाए तो वो भी आपके लिए काफी ज्यादा अच्छा रहेगा। तो घर में शुद्धता मिलेगी, आपको शुद्धता मिलेगी और एक पॉजिटिव एनवायरमेंट, पॉजिटिव ऑरा आप सभी के आसपास जरूर देखने को मिलेगा। सो ओवरऑल ग्राफ अच्छा है, लाइफ अच्छी है एंड आने वाला समय आपको डेफिनेटली फायदा देता हुआ नजर आएगा। सो ऐसे ही समय का अच्छा फायदा उठाइए और अपने आप को बैलेंस करने की कोशिश जरूर करिए। इसके अलावा वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन पे जरूर से क्लिक करिए। कुछ भी पूछना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, अपने बारे में कुछ भी समझना चाहते हैं, आप उनसे संपर्क कर सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगा आप सभी की हर संभव मदद यहां पर कर सकूं। धन्यवाद।